दिनांक 31/12/2022 को चक्कर की मिलक मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी चिंतक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकबंधु राज नारायण जी की 36वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजनीति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर लोकबंधु राज नारायण जी की पुण्यतिथि पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी डीपी यादव एडवोकेट ने कहा कि लोकबंधु राज नारायण जी महान समाजवादी नेता थे। राज नारायण जी हमेशा आम आदमी के हित की बात करते थे। भारतीय लोकतंत्र व राजनीति में लोकबंधु राज नारायण जी आम आदमी के हित के प्रबल पक्षधर थे। इनकी बेहतरी के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। स्वार्थी और सत्ता उन्मुखी सियासी धारा को जिस तरह से उन्होंने परोपकारी राजनीति के दरिया के रूप में परिवर्तित करने के भागीरथी प्रयास किए, उसी के नतीजे में जमहूरी इतिहास में उन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा लिया। आज सभी समाजवादी साथी ये संकल्प लेते हैं कि हमेशा लोकबंधु राज नारायण जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और हमेशा समाजवाद का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष अथर हुसैन अंसारी, वेद प्रकाश सैनी, वरिष्ठ सपा नेता हसनैन अख्तर, प्रेम बाबू वाल्मीकि, साबिक ब्लाक प्रमुख इंजीनियर इकबाल हुसैन, धर्मेंद्र यादव, शंकर लाल सैनी, डॉक्टर मोहम्मद उमर, चौधरी इसाक, यास्मीन सैफी, फाजिल मलिक, संजीव चौधरी, कामरेड अंकित यादव, हाजी इस्माइल, सैयद फुरकान अली, अफरोज